इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सेटिंग्स, कुछ परमिशंस हमें इस तरीके से दिखाती हैं नॉट यूज्ड इन लास्ट 40 आवर्स। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए कुछ परमिशंस रहती हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले ये दिखती कहाँ पर है और इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर जो है ऐप में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर परमिशंस पर जाएंगे तो अदर परमिशंस पर, जैसे कि यहाँ पर ये परमिशंस हो गई, इसी तरीके से ये भी परमिशंस हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारी तरीके की परमिशंस रहती हैं फिजिकल्स एंड यहाँ पर और भी परमिशंस आपको देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ परमिशंस ऐसी होती हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी जो है परमिशंस इस तरीके की होते हैं, जैसे कि किसी फ़ोन में कॉलिंग एप्लीकेशन में कॉलिंग के फीचर्स रहते हैं तो उसमें कैमरे की क्या ज़रूरत। ठीक है, तो इसलिए वो जो परमिशंस होती हैं वो वर्क नहीं करती हैं, चाहे उसमें प्राइवेसी की परमिशन हो, चाहे किसी की चीज़ की भी परमिशन हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज़ नहीं होती हैं, तो उस सिचुएशन में वो 24 घंटे में दिखाती है कि ये अभी परमिशन यूज़ नहीं हुई है पास्ट 24 आवर्स के अंदर या कितने भी देर में। देखिए, जैसे यहाँ पर ये परमिशंस दिखा रही है फिज़िकल एक्टिविटी की परमिशन, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। ठीक है, बाकी कोई कोई सी जो एप्लीकेशन रहती है उसने परमिशन देखी होगी तो वो यहाँ से उसको दिखा देगी कि कितनी देर में यूज़ करी है इसने। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन परमिशंस कैसे कैसे ले रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी ये दिखा देगा डैशबोर्ड पर कि कितनी परमिशन कब यूज़ हुई है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही रहता है कि लास्ट 24 घंटे के अंदर ये परमिशन यूज़ ही नहीं की गई है। ठीक है, अगर आप बॉडी सेंसर की कोई एप्लीकेशन लगाएंगे तो फिर जो है यहाँ पर वो परमिशन ले लेगी और फिर यूज़ होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।